हेलो फ्रेंड्स, मैं विकास अपने यूट्यूब चैनल पे आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। अभी अपन पढ़ रहे थे जो सीईटी है, हमने जो सीईटी सीनियर सेकेंडरी और ग्रेजुएशन लेवल है उसमें जो कंप्यूटर का सिलेबस है उसके जो महत्वपूर्ण प्रश्न है ऑब्जेक्टिव टाइप वो अपन पढ़ रहे थे, जिसमें कि आज की क्लास को अपन स्टार्ट करते हैं। आज का जो सबसे पहला क्वेश्चन है वो है, कौन सा एक भाग कंप्यूटर की प्रक्रिया का अंग नहीं है? पहला केंद्रीय प्रक्रिया इकाई, दूसरा अर्थमेटिक और लॉजिकल इकाई, तीसरा है अदा और चौथा है नियंत्रण इकाई मतलब कि सीयू। तो जो पहला क्वेश्चन है इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 3, अदा इनपुट। फिर अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है, खालिस्तान और खालिस्तान सर्वाधिक सामान्य इनपुट डिवाइस हैं। तो सबसे पहला है माइक्रोफोन, प्रिंटर, स्कैनर, मॉनिटर, डिजिटल कैमरा, स्पीकर्स, कीबोर्ड और माउस। तो जो क्वेश्चन नंबर 2 है इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 4, कीबोर्ड और माउस। फिर अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 3, 3 का क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा इनपुट डिवाइस नहीं है? जॉयस्टिक, मैग्नेटिक टेप, मॉनिटर, मैग्नेटिक डिस्क। तो जो क्वेश्चन नंबर 3 है इसका जो उत्तर होगा वो होगा मॉनिटर, मतलब ऑप्शन नंबर 3 है ये इसका सही उत्तर होगा। फिर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। 4 नंबर क्वेश्चन है, इंफॉर्मेशन और कमांड कैप्चर करने के लिए इक्विपमेंट का प्रयोग किया जाता है? आउटपुट डिवाइस, इनपुट डिवाइस, स्टोरेज डिवाइस और इनमें से कोई नहीं। तो जो 4 का क्वेश्चन है इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 2, इनपुट डिवाइस। फिर अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 5। 5वां क्वेश्चन है, कंप्यूटर कुंजी पटल कीबोर्ड की कुंजी उत्पन्न करती है? सॉफ्टवेयर, अनुदेश कूट, प्रोग्राम, संचालन। तो जो क्वेश्चन नंबर 5 है इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा अनुदेश कूट। फिर अगले क्वेश्चन प्रश्न पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 6, 6 का प्रश्न है, कीबोर्ड किस तरह का यंत्र है? इनपुट, आउटपुट, वर्ड प्रोसेसिंग, कोई नहीं। तो जो 6 का क्वेश्चन है इसका सही आंसर है वो होगा इनपुट, मतलब ऑप्शन 1 है इसका सही आंसर होगा। फिर अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, कीबोर्ड की सबसे लंबी कुंजी कौन सी है? होम, एंटर, स्पेस बार और शिफ्ट। तो जो क्वेश्चन नंबर 7 है इसका जो सही आंसर होगा वो होगा स्पेस बार, मतलब ऑप्शन 3 है ये इसका सही आंसर होगा। फिर अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 8। 8 का है, कीबोर्ड की कौन सी कुंजी लाइन के प्रारंभ में ले जाती है? टैब की, होम की, ESC की और बैक स्पेस। तो जो क्वेश्चन नंबर 8 है इसका सही आंसर है वो होगा उत्तर नंबर ऑप्शन नंबर 2, होम की। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 9, 9 का है, स्क्रॉल लॉक की क्या है? फंक्शन की, न्यूमेरिक की, टॉगल की, कर्सर कंट्रोल की। तो जो क्वेश्चन नंबर 9 है इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 3, टॉगल की। फिर अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 10, 10 का है, कंप्यूटर जगत में क्यूएटी किस का प्रकार है? मदरबोर्ड, नेटवर्क, कीबोर्ड और मेमोरी कार्ड। तो जो क्वेश्चन नंबर 10 है इसका जो सही आंसर होगा वो होगा कीबोर्ड, ऑप्शन नंबर 3 है ये इसका सही आंसर होगा। फिर आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर। 11 का जो क्वेश्चन है वह कीबोर्ड का प्रकार है, सीरियल कीबोर्ड, पैरेलल कीबोर्ड, एक और दो दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो जो क्वेश्चन नंबर 11 है इसका सही आंसर होगा एक और दो दोनों, मतलब सीरियल कीबोर्ड और पैरेलल कीबोर्ड दोनों कीबोर्ड के वो प्रकार हैं। फिर अगला क्वेश्चन नंबर 12, 12 क्वेश्चन है, आधुनिक कंप्यूटर में प्रयुक्त सबसे सामान्य निवेश उपकरण है? कीबोर्ड, ट्रैकबॉल, स्कैनर और माउस। तो जो क्वेश्चन नंबर 12 है
इसका जो सही आंसर होगा वो होगा कीबोर्ड, मतलब ऑप्शन ए का इसका सही आंसर है। फिर अगला क्वेश्चन नंबर 13, 13 क्वेश्चन है, कंप्यूटर के कीबोर्ड में कितनी वर्णमालाओं की होती हैं? 24, 26, 24, 25, 26 और 27। तो जो क्वेश्चन नंबर 13 है इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, 26। फिर अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, 14 का कीबोर्ड पर पाए जाने वाला कोई अक्षर, संख्या या प्रतीक क्या कहलाता है जिसे आप कंप्यूटर में टाइप कर सकते हैं? आउटपुट, करेक्टर, टाइप, प्रिंटर। तो जो क्वेश्चन नंबर 14 है इसका जो सही आंसर होगा वो होगा करेक्टर, ऑप्शन नंबर 2। फिर अगला क्वेश्चन नंबर 15, 15 का प्रश्न है, कीबोर्ड पर पाए जाने वाले अक्षरों, अंकों, प्रतीकों को क्या कहते हैं? आइकन, स्क्रीन, कुंजिया और मेन्यू। तो जो क्वेश्चन नंबर 15 है इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 3, कुंजिया। फिर अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 16, 16 का क्वेश्चन है, नंबर पैड का डायरेक्शनल एरो के रूप में प्रयोग करने के लिए कौन सी कुंजी प्रयुक्त की जाती है? नमलॉक, कैप्स लॉक, एरा लॉक और शिफ्ट। तो जो 16 क्वेश्चन है इसका उत्तर होगा नमलॉक, ऑप्शन नंबर 1। फिर अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, 17 का कीबोर्ड पर स्थित किन कुंजियों में नंबर जल्दी टाइप किए जा सकते हैं? कंट्रोल, शिफ्ट, अल्ट कुंजियां, फंक्शन कुंजियां, न्यूमेरिक कीबोर्ड और टचपैड। तो जो क्वेश्चन नंबर 17 है इसका जो सही आंसर है वो होगा न्यूमेरिक कीपैड, तीसरा जो उत्तर है इसका सही होगा। फिर अगला क्वेश्चन नंबर 18 क्वेश्चन है, डम्ब टर्मिनल्स में मॉनिटर और खालिस्तान होते हैं, माउस, स्पीकर्स, कीबोर्ड, माउस और स्पीकर्स। तो जो 18 क्वेश्चन है इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा कीबोर्ड, ये ऑप्शन नंबर 3 है, ये 18 का सही उत्तर होगा। फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन नंबर 19 का है, कौन सी की कर्सर के बाईं ओर के अक्षर को डिलीट करती है? एंड, बैक स्पेस, होम और डिलीट। तो जो 19 का प्रश्न है इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2, बैक स्पेस। फिर अगला है क्वेश्चन नंबर 20, 20 का क्वेश्चन है, कंट्रोल और शिफ्ट किस प्रकार की कुंजियां हैं? समायोजन, क्रियात्मक, संशोधक, अक्षरांकीय। तो जो क्वेश्चन नंबर 20 है इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 3, संशोधक। तो ये थी आज की क्लास जिसमें टोटल है वो 20 क्वेश्चन है वो थे। अगर आज की क्लास है आपको पसंद आती है तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।